व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे गवार की फली और टिंडी। फली एक ऐसी सब्जी है जो बहुत फायदेमंद और पकने के बाद अच्छी और मजेदार होती है। हम गोश्त, चिकन वगैरह तो बहुत खाते हैं, लेकिन हमें अपनी लाइफ में सब्जी की भी जरूरत रखनी चाहिए। अब हम अपनी डिश रेडी करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए फली, टिंडे, प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, जीरा, लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया, नमक और एक प्यारी ऑयल। अब हम अपनी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल, हमने पैन में एक प्यारी ऑयल डाला। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, हम जीरे को हल्का सा ब्राउन करेंगे। हम जीरे को ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे कि ये जल जाए, बस हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे। अब हरी में सबसे अच्छा फ्लेवर जीरे का आता है। अगर आपको जीरे का फ्लेवर ज्यादा अच्छा नहीं लगता तो आप चॉप किया हुआ लहसुन भी फ्राई कर सकते हैं। हमारा जीरा फ्राई हो रहा है, हम इसको डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ लाइट ब्राउन करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज आप देख सकते हैं हमने ज्यादा चॉप नहीं की, हमने एक अदद बड़ी प्याज ली है। हम इसके मोटे स्लाइसेस कर लेंगे प्याज के। प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं, हम इसको डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें जो हमने काट ली थी, एक से दो अदद। फिर हम इसमें सारे मसाले डालेंगे, नमक हसबे जायका, धनिया एक चम्मच, लाल मिर्ची 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून। हम इन सारे मसालों को अच्छी तरह प्याज में मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे और चमचा चलाते रहेंगे। फिर हम इसको 5 से 10 मिनट्स कवर करके दम पर रख देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह गल जाए और ये एक यकजान मसाला बन जाए। ये मसाला हमारा अच्छी तरह गल गया है, हम इसको थोड़ी सी देर भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे फली। फली हमने पहले बॉईल कर ली थी, अगर आप चाहें तो बिना बॉईल के भी बना सकते हैं, लेकिन बॉईल करने के बाद इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है। हल्दी डालकर हम इसमें चमचा चलाएंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे टिंडे। हम इस मिक्सर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
और फिर हम इसको दम पर रख लेंगे। कम से कम हमें इसको 10 से 15 मिनट दम देंगे, जब तक हमारी टिंडे और फली गल ना जाए तब तक हम इसको पकाएंगे और फिर से एक दफा भूनेंगे। अब हम इसको दम पर रख देंगे। आप देख सकते हैं कि अब फली टिंडे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल देंगे और अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे। मजेदार और टेस्टी बनी है, आप भी अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।